परम आदरणीय परम पूज्यपाद निरंतर स्मरणीय पार ब्रह्म स्वरूप श्री सद्गुरुदेव भगवान संपूर्ण भूमंडल में विचरण करने वाले संत महापुरुष जन और यहाँ सत्संग प्रांगण में विराजमान नर नारी के रूप में परम जी के परम प्यारे भक्त हमारा ख्याल रखा हर महीने के प्रथम रविवार की भांति आज काफी देर से सत्संग चल रहा है। सत्संग ज्ञान और भक्ति का सत्संग ज्ञान और भक्ति का वह अथाह अगाध समुद्र है। इसमें जो भी स्नान करता है वह भव बंधनों से छूट करके मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। अगर स्नान करता है और भला स्नान ही नहीं करेगा तो कैसे मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त होगा। प्रेम भक्तों, मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त करने के लिए हमारे शास्त्र हमारे संत महापुरुष लोग बताते हैं तो दरअसल में मोक्ष और मुक्ति क्या है। इसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता रहा हूं। ये मोक्ष और मुक्ति दोनों शब्द जो हैं मोह शब्द से बने हैं। और मोह क्या है? ये तो आप सब लोग जानते ही होंगे, ये कोई नई बात नहीं है। सब लोग जानते हैं कि मोह क्या है और ये मोह हमें कहां से लगा है और क्यों लगा है। प्रेम भक्तों, मोक्ष शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक शब्द है मोह और दूसरा शब्द है क्षय। मोह और क्षय, यानी मोह और क्षय दोनों शब्दों को मिला देते हैं तो हो जाता है मोक्ष। अब इसका अर्थ क्या हुआ? मोह माने होता है लगा और
लगाव जो है ये भी दो प्रकार का होता है। लगाव को ही एक भाषा में हम ये भी कहते हैं, जिसे कहते हैं प्रेम। तो एक जो है लगाव कैसा है, वो वासना से भरा हुआ है, विषय और वासनाओं से भरा हुआ है। उस विषय और वासना से उत्पन्न हुआ जो लगाव है वो मोह कहलाता है। जैसे पति और पत्नी के दाम्पत्य जीवन में जो पुत्र और पुत्रियां जन्म लेते हैं, वहीं से मोह जो है शुरू हो जाता है। और भी परिवार के सदस्यों से मोह होता है, लेकिन इतना नहीं होता है जितना अपने अंश बिंद से जो मोह उत्पन्न होता है उससे लगाव ज्यादा होता है। उसी के लिए सारी दुनिया के लोग रात दिन मेहनत, मजदूरी, धंधा, नौकरी, तरह तरह के श्रम, तरह तरह के धन को उपार्जन करने के साधन करते हैं। और अंत में ये सभी साधन और ये सभी सामान और जिससे मोह उत्पन्न हुआ है, एंड तक ये सभी सामान जो है यही रह जाता है। लेकिन जब ये जीव जाता है तो उसके चित्त में जिन जिन से मोह है वे लोग जो है उसके चित्त में फीड हो जाते हैं, उनका ध्यान रहता है। मरने के टाइम जो है आदमी तभी तो आराम से नहीं मर पाता है, कहते हैं कि ये तेरे दर फरजिंदे हैं तुझे एक दिन भुलाएंगे। तेरा ये घर में जो रहने वाले फरजिंदे माने परिवार के जो लोग हैं वे तुझे एक दिन मरने के बाद जब तुझे शमशान में फूंक देंगे या जल प्रवाह कर देंगे या अंतिम संस्कार कर देंगे और फिर उसके बाद तेरमी या भंडारा करने के बाद सब भूल जाते हैं, क्योंकि फिर उनकी कोई आवश्यकता नहीं रहती है। रहती है नहीं रहती है। लेकिन हमने सारा जीवन उन्हीं के लिए अर्पित करके सारे जीवन को खपा दिया। ये दुनिया के सभी लोग जानते हैं, कहते हैं कि अंत मता सुही गता, यानी जीव अंत में जब मृत्यु को प्राप्त होता है, शरीर को छोटा छोड़ता है, तो जहां मत माने बुद्धि, जहां बुद्धि में, चित्त में, मन में, अंतःकरण में जो भाव और विचार होते हैं उन वही विचार और भाव जीव के साथ जाते हैं। और जो जहां कर्म वेद रखा है, जहां धर्मराज है, जिन्हें इज़राफील कहते हैं, जो छोटी काउंसिल में जीव का लेखा जोखा देखते हैं, उस लेखा जोखा को देख करके चित्त के अनुरूप और सभी कर्मों के अनुरूप उसे जन्म दे दिया जाता है। और मान लीजिए उसे फिर जन्म मिल गया, कहते हैं जीव के जब तक पाप और पुण्य दोनों थोड़े थोड़े अंतर से रहते हैं तब तक मनुष्य का जन्म मिलता है। पाप ज्यादा होने पर 84 लाख योनियों में जाता है जीव, और पुण्य ज्यादा होने पर स्वर्ग लोक में या जन्नत में जाता है। प्रेमी भक्तों,
ये कर्म का लेखा जोखा है, जिन्हें जो है सुकर्म और कुकर्म कहते हैं। कुकर्म माने जो बुरे कर्म हैं, जिनसे पाप बनता है। सुकर्म कहते हैं जिसे पुण्य बनता है। ये पाप पुण्य के घेरे में जब तक जीव रहता है, तब तक 84 लाख योनियों के चक्कर को काटता हुआ कबहू की करु करुणा नर देही। कभी कभी जो है मनुष्य बनने का चांस मिलता है और मनुष्य बनकर के फिर वो ये भूल जाता है कि हाँ, आखिर हम कहां से आए थे, मेरा घर कहां था और मुझे कहां जाना है। प्रेमी भक्तों, ये पाप और पुण्य, इनसे हट करके, या कहिए सुकर्म और कुकर्म, इनसे हट करके एक कर्म होता है, एक योग होता है, एक साधन होता है, जिसे विकर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? विकर्म। विकर्म माने विशेष कर्म। इनी कैसा विशेष कर्म? ऐसा विशेष कर्म है कि जिसमें क्रिया है लेकिन कर्म नहीं है। क्या है? क्रिया है और कर्म नहीं है। और जहां कर्म है वहां संस्कार है, वहां पाप पुण्य है। और जहां पर क्रिया है और कर्म नहीं है, कर्म इंद्रियों से होते हैं और क्रिया जो है योग के द्वारा लगाई जाती है। प्रेमी भक्तों, जो अक्रिय साधन है, जिसे कहते हैं उस अल्लाह ताला का या उस परमेश्वर का सुमिरन करना, तो ये क्या है? ये कर्म है। जब हम सुमिरन करते हैं, जो उसका मूल स्वरूप है सुमिरन करने का, तो सुमिरन का मतलब होता है स्व माने अपना, मरण माने मरण। जैसे आदमी मर जाता है, इसी प्रकार से वह खुद चैतन्य रूप में रहते हुए संसार के लिए, संसार से एक तरह से उसका चित्त, मन, बुद्धि, विचार, इंद्रियां, ये सब हट जाते हैं। और जब तक नहीं हटते हैं, तब तक तुम्हारी इंद्रियां और अंतःकरण के द्वारा सोचा या विचार किया हुआ कर्म संस्कारों को बनाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एक चौपाई में बताया है, शायद उस चौपाई को सभी लोग जानते हैं। जानता तो हर आदमी होता है, लेकिन उसे समझना, कहते हैं योग सरल साधन, सरल समझन कठिन विवेक। ये चीजें सरल हैं कि आप योग धारण कर लें, लाल पीले कपड़े पहन लें, माला डाल लें, तिलक तंबू लगा लें, आश्रम बना लें, ये चीजें सरल हैं, इनमें कोई कठिनाई नहीं। अरे मथुरा से चंदन ले आओ, घिसो लगा लो, माला ले आओ, माला पहन लो, दर्जी से जो है कपड़े सिला लो लाल पीले, क्या खर्चा। और बाल जो है रखे रहने दो तो दाढ़ी और जटाओं वाले बाबा बन जाओगे, और एक ब्लेड से उनको साफ कर लो तो सन्यासी वाले बन जाओगे। बनने में कोई ज्यादा टाइम नहीं, 10-15-20 मिनट का समय लगता है, लेकिन होने में बहुत टाइम लगता है। संत होना और संत बनना, ये दोनों बातें अलग अलग हैं। आजकल तो हमने देखा है, हम अपने क्षेत्र की बात कहते हैं, यहां की बात नहीं कहते हैं। हमारे क्षेत्र में जो है धान बहुत होता है, तो लोग अब इस समय धान गाड़ चुके होंगे, किसी के थोड़े से धान रहे भी होंगे 4-6 दिन के, और जिसे जाना है वो थोड़ा सा जल्दी काम करता है। बक्से में
झोले में माला रखी है, कपड़े रखे हैं, चंदन रखा है, हथेली पर दो चार बूंद डाले हो, ऐसे घिसा लगा ली। रेल पे गए, टिकट की कोई जरूरत नहीं। बाबा जी चले गए वृंदावन में, मथुरावन में बात क्षेत्र खुले हैं। सेठ जो है भोजन कराता है, कंबल देता है, दक्षिणा में 100-200 रुपए देता है। दिन भरे में 4-5 जगह जो है भोजन करते हैं और कंबल इकट्ठे करके भाई बेच आते हैं, कौन लाद के यहाँ लाए। उन्होंने 300 रुपए का कंबल दिया, हमने उसे 100 रुपए में ही बेचाए। अब बताइए, उसने अपने धन को लगाया इसलिए कि ये महात्मा हैं, ये संत हैं, ये भगवान के भक्त हैं, इनको सर्दी लगेगी तब ये ओढ़ेंगे, ये कहीं जाएंगे, अगर कोई किराया मांगता है तो किराया देंगे और नहीं तो इन पे किराया कम लोग लेते हैं। अगर इनको भूख लगी, आजकल कलयुग में दान देने वाले लोग कम हैं, तो उन्हें पैसों की भी आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन वो जो है वहां से 2-4 हजार रुपए इकट्ठे करके जब जन्माष्टमी का टाइम खत्म हो गया, दो एक दिन बाद आराम से घर चले आए और एक कपड़ा जो है फिर रख दे, फिर के लाए, आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए, ये संत बनने से काम नहीं होगा। अगर आप संत बनोगे फिर तुमको गधा भी बनना पड़ेगा। बनना पड़ेगा कि नहीं? क्योंकि जो तुमने सामान लादा है दूसरे का, वो कहीं ले जाना पड़ेगा कि नहीं? रखना पड़ेगा, उसका लेखा जोखा देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। प्रेमी भक्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एक चौपाई में बताया है, वह चौपाई सब लोग जानते हैं। और जब कोई अखंड रामायण होती है तो उस चौपाई को हर दोहे के बाद भी बोला जाता है। क्या कहते हैं? कि मंगल भवन मंगल भवन अमंगल हारी। आप लोग भी बोलिए और तालियां बजाइए, तुम्हारे पास जो मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, त्रिभुवन दशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रिभुवन दशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, त्रिभुवन दशरथ अजर बिहारी, त्रिभुवन दशरथ अजर बिहारी। चौपाई है, आप कितने भी बार कहें फिर भी इसका महत्व खत्म नहीं होता है, तभी इसे संपट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संपट का मतलब जो है हर जगह हर बार इसे कहा जा सकता है और कहने के बाद भी इसका महत्व कम नहीं होता।
गोस्वामी तुलसीदास जी ने पूरी रामायण में यही एक ऐसी चौपाई लिखी है कि जिसका अंतरा दूसरा अंतरा जो है दो बार लिखा है, और कोई ऐसी चौपाई नहीं है जिसका अंतरा दो बार लिखना पड़ा हो। तो एक तो अंतरा यह है कि द्रमों से दशरथ अजर बिहारी, और दूसरा अंतरा क्या है उसे भी आप लोग समझे। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जी जपत पुरारी, मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जी जपत पुरारी, मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जी जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जिह जपत पुरारी, उमा सहित जिह जपत पुरारी, उमा सहित जिह जपत पुरारी। मेरे परम प्यारे भक्तों, तुलसीदास जी ये बताना चाहते हैं कि ये संपट है और इस संपट का क्या अर्थ है। हम केवल आप लोग जो है गाते ही रहे, और यही होता है, हम लोग गाते रहते हैं, अखंड रामायण होती रहती है, तो कहीं रिश्तेदार के यहाँ होती है, कहीं किसी प्रेमी के यहाँ होती है, कहीं बिरादरी के यहाँ होती है, या कहीं महात्मा के यहाँ होती है, कहीं भी होती है, निमंत्रण होता है, हम लोग जाते हैं। वैसे तो वो इसलिए होती है कि जब वो शुरू हो तब तक आप उपस्थित रहें, उसे सुने और समझें, और फिर बाद में भंडारा हो उसे भंडारा को आप खाएं। लेकिन हम लोग कितने टाइम जाते हैं कि जब अखंड रामायण विसर्जित हो जाती है, और थोड़ी बहुत अगर रह भी जाती है तो उस समय हलवा पूरी कचौड़ी सब्जी का जो सुगंध है वो नाक के द्वारा अंदर जा करके इच्छा प्रकट करता है कि अब जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी किया जाए। पंडित जी से जब पूछो कितनी देर और लगे, पंडित जी से कहे जगह पर थोड़ी सी देर है, कोई ज्यादा देर नहीं। इसका मतलब क्या है कि हमें मंगल भवन अमंगल हारी से कोई मतलब ना है, हमें अपने जीव के स्वाद से है। लेकिन ये चीजें क्यों होती हैं? ये चीजें इसलिए होती हैं कि ये जीव जो है अकेला आया है, और जहां से आया है जिस सतलोक से वहां इसे जाना है, यहां आकर के संसार में इस भव सागर में निरंजन साहब की माया में फंस करके भूल गया है।
ये जो निरंजन है, जो शैतानी खुदा है, ये सारी दुनिया के जीवों को अपने बंदिश में किए हुए है। प्रेम भक्तों, चौपाई ये बताती है कि मंगल भवन और अमंगल हारी, वह जो प्रभु का नाम है, जो उस परमेश्वर का नाम है, वो कैसा है? मंगल भवन, यानी जो मंगल है, मंगल कहिए जो सुख है, जो शांति है, उनको देने वाला है, उनका भवन है, उनका घर है। कैसे कहते हैं, कोई चीज है भैया बागो तो वहां घर, यानी काफी मात्रा में है। यानी मंगल भवन, ये जो नाम है वो मंगलों का घर है, मंगलों का भवन है। और वो अमंगलहारी, और अमंगलों को हरण करने वाला है। अमंगल कहते हैं जो दुख है, जो अशांत है, जो अविद्या है, जो अज्ञान है, जो अंधकार है, इनको खत्म करने वाला है। लेकिन कब खत्म करने वाला है? जब तुम उस नाम का कुछ टाइम तक स्मरण करो। जनायक नेक देर जो है बैठे और फुन फुन नेक भाई, और फिर जो है बखा में कान जोर जमालमपरी की चिट्ठी काटते, और पीछे जमालमपरी अब थक गए, जगह चलो कल पढ़ रहे आराम से सोइए। तो ऐसे ऐसे काम नहीं चलेगा। कहते हैं आलस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। जो आलसी लोग होते हैं, कुतो विद्या, उनके लिए कहां है विद्या? अविद्यस्य कुतो धनम, और विद्या नहीं है तो धन कहां है, और धन नहीं है तो मित्र कहां है, और मित्र नहीं तो सुख कहां? आपके पास कितना भी धन हो जाए, आपके पास कितनी भी संपत्ति हो जाए, आपको कितना भी आनंद मिले, लेकिन जब तक तुम उस बात को किसी अपने निजी साथी को नहीं बताओगे, तब तक ये मालूम पड़ेगा कि पेट में भजन है, दिमाग में भजन है, दिमाग में भारीपन है। बता देने से ये मालूम पड़ता है। हमारे गांव में एक ब्रजपाल सिंह है, तो वो शराब पीते हैं रोजाना। हमने एक बार उन्हें पूछा, हमारे गांव के आदमी हैं, तो हमने कहा भैया तुम रोजाना शराब पिए थे? कहीं भैया रोजाना ही शराब पिए, तो हमने क्यों रोजाना पिए था? ये कहीं कहा बताया हमें तू अमल लग गया होगा, तो हमने तुमको शराब पीने के बाद कैसा लगता है? कि हमें ऐसा लगता है कि अगर शराब पी के चुपका घर अगर हम लेट जाए, तो फिर सवेरे हमें जमालमपत सब पैसा बेका जाएगा। तो फिर जगह शराब पी के हमें कम से कम ज्यादा ना है तो एक दो लोग तो जान ही लें कि ये पिए, तब हमें अच्छा लगा। तो कहते हैं कि वही बात है, हम दिखा दे भैया लाल में कहा ना बेगा बात है, तो खाने के लिए जो बात है तो मौकी अंदर की शराब की गंध ना करो नाप के आएगी, तो फिर इससे बात करें और अरे भर जाए सत्य का संग। सत्य जो है कौन है? वह अल्लाह ताला है, वह परमेश्वर है,
और उसका नाम है, उस नाम में अपने ख्याल को सुरती को जोड़ोगे और काफी टाइम उसमें दोगे। कितना टाइम दोगे? जब तक तुम्हारी इंद्रियां और अंतःकरण जो है वो शिथिल न हो जाए। जब तक शिथिल नहीं होगा तब तो मन भी विचार करेगा, बुद्धि भी विचार करेगी, चित्त भी संकल्प विकल्प करेगा और अंतःकरण पूरा सक्रिय रहेगा। और दिमाग में ये भी माल पड़ता है कि शरीर में खुली है कि कहाँ है, कि पलियों में दर्द हो रहा है। दर्द तब तक ही तो मालूम पड़ेगा कि जब तुम्हें द्वारा तुम्हारे पास मन होगा और बुद्धि होगी। और ये जब होंगे ही नहीं, ये कहीं ताले में जब बंद कर दोगे तब फिर जब ये कोई भी नहीं होगी फिर कहाँ मन है, कहाँ बुद्धि है, कहाँ चित्त है, कहाँ अहम है, कहाँ पीर है, कहाँ दर्द है, कहाँ चीटी देख रही है, कोई नहीं पता। कहते हैं द्रवाओं से दशरथ अजर बिहाई, द्रवाओं से दशरथ अजर बिहाई, एक एक शब्द को आप बोलते। इस अर्थ को मैं बता रहा हूं, ये अर्थ जो है रामायण में नहीं मिला, रामायण में दूसरी तरह से उसने अर्थ लिखा है। क्योंकि जो लिखने वाला है उसे नाम का ज्ञान नहीं है, जो मंगलों का ज्ञान, जिसको जितना जैसा ज्ञान होता है वैसा ही उसका अर्थ करता है। अर्थ करने वाले दूसरे लोग हैं, लिखने वाला कोई दूसरा था। द्रव हो तो दशरथ, द्रव माने धन, द्रव माने क्या है, द्रव हो सो दशरथ, इन्हीं को है जो मंगलों का घर और अमंगलों को हरण करने वाला जो नाम रूपी द्रव्य है, जो नाम रूपी धन है। सो दशरथ, वो दसों इंद्रियों को जब हम एकाग्र करेंगे तब उसका अनुभव होगा। और इंद्रियों को एकाग्र नहीं करेंगे तब तक उसका अनुभव नहीं होगा। गीता अध्याय 2 के 98वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह बताया है कि जब कछुआ चलता है और किसी प्रकार की आहट पाता है तो अपनी इंद्रियों को सकोड़ लेता है और स्थिर हो जाता है। ऐसे ही जब तक तुम अपनी इंद्रियों को अंतःकरण को सकोड़ोगे नहीं, एकाग्र नहीं करोगे दसों इंद्रियों को और अंतःकरण को, तब तक जो है वो जो नाम रूपी द्रव्य है उसका आनंद नहीं मिलेगा।